व्रत उपवास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या वर्जित है, ऐसे कर्म मैं आपको आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो भी प्रमाण सहित। ये जो प्रमाण है ये ब्रह्मांड पुराण का है। पुनः भोजन मध्याय भार आयास मैथुने उपवास फल हन्यु दिवा निद्रा च पंचमी। पुराण का ये वचन है कि दोबारा भोजन करना, भोजन ना करें, ना अध्ययन स्वाध्याय इत्यादि भी ना करें, भार यानी वजन भी ना ढोएं, परिश्रम भी ना करें, मैथुन क्रिया इत्यादि भी ना करें। मैथुन 8 प्रकार के 7 प्रकार के बताए गए हैं। टी भी ना डालें, मन में ऐसा मलिन विचार भी ना आए, गाली गलौच इत्यादि भी ना करें, वैसे तो कभी नहीं करने चाहिए ऐसे रहें, कई आचरण ऐसे जो नित्य के लिए भी हैं, किंतु व्रत उपवास में तो त्याग ही देवे, ताकि व्रत उपवास के माध्यम से आपकी ये जो आदतें हैं वो हट जाएं। और दिन में सोना, दिन में भी ना सोएं, यदि दवाई ले रहे हैं, कोई औषधि ग्रहण करता है जिसको विश्राम की आवश्यकता हो तो वो थोड़ी सी झपकी ले सकता है, घटिका द्वयम 2 घटी के लिए। ये 5 कार्य उपवास में वर्जित है और ये सभी फलों को नष्ट कर देते हैं। व्रत उपवास से जो फल प्राप्त हमें हो रहा है, जिसकी हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमें इस व्रत या उपवास से फल प्राप्त हो जाएगा, तो आप